हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं कि कहाँ पे मैम क्या करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए ताकि बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप कर सके। 90% का ज़माना है दोस्तों, 90-95% नहीं आया तो बच्चे सब हताश, पेरेंट्स हताश। इतनी भारी कंपटीशन है कि कहीं पे भी एडमिशन आगे मिलना मुश्किल है। ऐसे में दोस्तों, अगर मन पढ़ाई में ना लगे या परेशानी का अनुभव हो रहा है तो आज मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी जो आपको एग्ज़ाम्स में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकेगा। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, आस्था और विश्वास का भाव रखते हुए एक बात याद रखनी है कि एग्ज़ाम्स कर्म प्रधान होते हैं। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो सिर्फ टोटके या उपाय आपके लिए कोई काम नहीं करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट बता दूं क्या करना है आपको एग्ज़ाम स्टॉप करने के लिए। पढ़ाई में आप अव्वल हों, अच्छे नंबर आएं, परीक्षा में सफलता मिले, वगैरह वगैरह। ऐसी चाहत हर इंसान की होती है, हर बच्चे की होती है, हर स्टूडेंट की होती है, चाहे वो IAS का एग्ज़ाम दे रहा हो या बोर्ड एग्ज़ाम या स्कूल एग्ज़ाम। लेकिन कभी कभी मेहनत के बावजूद कुछ स्टूडेंट्स सक्सेसफुल नहीं हो पाते। ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो या आपका अगर बच्चा है वो सक्सेसफुल हो, तो मेहनत के साथ साथ आपको कुछ सामान्य से उपाय करने हैं एजुकेशन के क्षेत्र में, आप अपने आप को आउटस्टैंडिंग बना सकते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि स्टूडेंट्स घंटों बैठ के पढ़ाई करते जा रहे फिर भी उनका रिजल्ट्स नहीं आता है। अगर आपके बच्चे के साथ भी ऐसा हो रहा है तो इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि वास्तु के अनुसार बच्चों के लिए उनकी राशि के अनुसार पढ़ाई करने की दिशा बताई गई है। अगर स्टूडेंट्स अपनी राशि के अनुसार स्टडी रूम में बैठ के पढ़ाई करेंगे तो उनको अपनी मेहनत के पूरे परिणाम मिलने लगेंगे। दोस्तों, हर स्टूडेंट की और हर पेरेंट की कामना होती है कि एग्ज़ाम में सिर्फ पास ना करें बल्कि टॉप कर सकें। ट्राई तो सभी करते हैं लेकिन कुछ ही लोग इसमें सफल हो पाते हैं। कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होती है कि कड़ी मेहनत के बावजूद अच्छे परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं और एग्ज़ाम्स जैसे जैसे पास आते जा रहे हैं दोस्तों, सबकी दिल की धड़कनें तेज होती जा रही है। अपने साल भर कितनी भी मेहनत की हो, नर्वस हो जाना बहुत ही आम बात है और कई बच्चे तो ऐसा करने वाले कि एग्ज़ाम हॉल में घुसते ही सब भूलने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों, ये करना नहीं है आपको। और मैं छोटे छोटे आपको एस्ट्रोलॉजिकल उपाय बताती हूँ, ज्योतिष उपाय बताती हूँ, जो पढ़ाई के साथ साथ आप करेंगे दोस्तों तो इसके चमत्कार देखेंगे। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्जाम हॉल में मेंटल बैलेंस, मानसिक संतुलन का कारक है चंद्रमा। चंद्रमा का मजबूत होना आत्मविश्वास बढ़ाता है। सफ़ेद वस्तु का सेवन करने से, दान करने से, शिव जी के दर्शन करने से एवं शिव चालीसा पढ़ने से, कनिष्ठा उंगली में जो सबसे छोटी उंगली है उसमें चांदी का छल्ला पहनने से तथा चांदी के गिलास में पानी पीने से चंद्र मजबूत होता है। तो दोस्तों, स्टार्ट कर दीजिए। ये कुंडली में चंद्र की स्थिति अनुसार मोती पहनने से भी लाभ होता है, तो अभी भी टाइम है, बच्चों को मोती पहना लीजिए या अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो आप पहन लीजिए छोटी वाली उंगली में। इसके अलावा दोस्तों, छोटे छोटे उपाय हैं जैसे तुलसी के पत्तों को मिश्री के साथ पीस के प्रतिदिन उसका रस पीने से मेमोरी पावर बढ़ती है। तीसरा है दोस्तों, इमली के पत्तों को पुष्य नक्षत्र के दिन अपनी बुक में रखें। जिस बुक में आप वीक हैं, आप चाहते हैं कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, या हर बुक में आप इमली के पत्ते रख सकते हैं दोस्तों। पुष्य नक्षत्र में योगेश्वर श्री कृष्ण प्रसन्नो भवः, क्या बोलना है, योगेश्वर श्री कृष्ण प्रसन्नो भवः मंत्र को सुनहरी कैप वाले, गोल्डन कलर के कैप वाले लाल रंग या लाल स्याही के पेन से 31 बार लिखें, 108 बार जाप करके फिर उसको अपने साथ ले जाएं एग्जाम हॉल में। नेक्स्ट है दोस्तों,
एग्जाम हॉल में जाने से पहले गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। याद कर लेना आपको, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। इस चौपाई का 108 बार जाप करने से भी सफलता मिलती है। ओम ब्रिंग अहर्नमो क्रुद्ध बुद्धिनं या वद वद वागवादिनी नमः, इस मंत्र का 108 बार लगातार 14 दिन तक जाप करें। तथा सरस्वती माता का ध्यान कर लाल पुष्प व लाल वस्त्र चढ़ाएं, टॉप करना निश्चित है, सफलता निश्चित है। दोस्तों, जो स्टूडेंट्स नहीं पढ़ सकते या नहीं कर सकते, उनके पेरेंट्स ये काम कर सकते हैं, बच्चे का नाम ले लें, पूजा उसके नाम से अर्पित कर दें। दोस्तों, ये काम यूजुअली ये मंत्र वसंत पंचमी से आरंभ होता है, पर अभी भी अगर नहीं हुआ है तो शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से चालू कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, गुरु के सानिध्य में बैठे, अपने टीचर के पास जाके थोड़ी देर बैठे, माता पिता की थोड़ी सेवा करें और गाय को गुड़ चने की दाल खिलाएं, और आपके जो भी फैमिली के इष्ट देव हैं उनका ध्यान आपको करना जरूरी है। बार बार बताती हूँ दोस्तों, ये सिर्फ ज्योतिष उपाय हैं जो कैटलिस्ट का काम करेंगे आपके सक्सेस में। सबसे प्रधानता किस बात की, आपके मेहनत की है। ऐसा नहीं कि मैम ने उपाय बता दिया, आपने मेहनत करना छोड़ दिया, आप तो मैं टॉप कर जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। मेहनत जितनी कर रहे थे टॉप करने के लिए, उतनी ही करनी है। हम एश्योर करेंगे आपको सक्सेस, आपका ज्योतिष आपको एश्योर करेगा आपके सक्सेस। जहाँ भी आपके ग्रह आपको रोक रहे होंगे टॉप करने से, या जहाँ पे भी आपके ग्रह अटका रहे होंगे, वो हम हटाएंगे आपकी बाधाएं। दोस्तों, बुद्धि और ज्ञान बढ़ाने के छोटे छोटे टोटके बताती हूँ आपको। जो बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता हो या बार बार फेल हो जाते हो, ऐसे बच्चों के लिए बृहस्पतिवार को, थर्सडे को सूर्य अस्त से ठीक आधा घंटा पहले बड़ का पत्ता ले लें। बड़ मतलब बरगद के पेड़ का पत्ता, बैनियन ट्री। उस पे 5 अलग अलग प्रकार की मिठाइयां तथा 2 छोटी इलायची पीपल के वृक्ष के नीचे श्रद्धा भाव से रखें, और अपने बच्चे की या अपनी शिक्षा के प्रति कामना करें। वहीं छोड़ दें, पीछे मुड़ कर ना देके सीधे अपने घर आ जाएं। इस प्रकार आपको 3 थर्सडेज आपको ऐसा करना है बिना रुके हुए। रुकना नहीं है, बीच में टूटना नहीं है। माता पिता भी अपने बच्चे के लिए ये उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर पढ़ाई में बच्चे का मन नहीं लगता है, या आप खुद स्टूडेंट हैं, आपका मन नहीं लगता है, कहीं और बार बार मन जाता है, मन मार के आप पढ़ने बैठते हैं, 10 तरह की बातें आती है, ये तब होता है दोस्तों जब जन्म पत्री में ग्रहों की स्थिति खराब चल रही होती है। इस स्थिति में मन को केंद्रित करके पढ़ाई की ओर ध्यान लगाने के लिए रीडिंग टेबल पे रेड कपड़ा बिछा लें और उस पे श्री यंत्र स्थापित कर लें। इसके बाद आपको एक मंत्र का जाप करना है। दोस्तों, क्या बोलना है आपको? ओम भवाये विद्याम देही देही ओम नमः। क्या बोलना है? ओम भवाये विद्याम देही देही ओम नमः। इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है। कुछ ही दिनों में आपकी स्टडीज के प्रति रुचि बढ़ने लगेगी, और जो भी आप पढ़ेंगे वो लंबे समय तक याद रह पाएगा। ध्यान रखें दोस्तों, अक्सर हम करते खाते पीते हुए पढ़ाई करते हैं, इससे ना तो आप सही ढंग से खा पाएंगे और ना पढ़ पाएंगे। अगर आप खाना खाते हुए पढ़ाई करते हैं तो समझ लीजिए आपका ज्ञान बढ़ नहीं रहा है, आपकी ज्ञान और आयु दोनों नष्ट हो रहे हैं। यही कारण है कि बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि खाना और पढ़ना दोनों एक साथ नहीं करना चाहिए। और इवन महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है, जो मनुष्य झूठे मुंह खाना पड़ता है अथवा झूठे मुंह उठकर इधर उधर जाता है, यमराज उसकी आयु कम कर देते हैं, और बच्चों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इस तरह से पढ़ाई करने से जो भी पढ़ते हैं वो लंबे समय तक याद नहीं रह पाता है, और जरूरत के समय ऐसी शिक्षा काम नहीं आती है। दोस्तों, एक और छोटा सा उपाय बताती हूँ आपके स्टडी रूम को लेके। जिनके घर छोटे हैं
वो दिशा चेक कर ले दोस्तों, पूर्व दिशा की ओर मुख करके बच्चे को पढ़ने बैठाएं। बाकी अगर अध्ययन कक्ष अलग नहीं हो तो सामूहिक कक्ष, जो भी कॉमन रूम है उसमें बच्चे को, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके इस प्रकार बैठें कि मुख सामने पूर्व दीवार की ओर रहे। कोने में नहीं बैठ के पढ़ाई करनी है, विशेष रूप से दीवार की ओर मुख करके बैठने से विद्यार्थी की प्रतिभा प्रकट नहीं होती। कभी भी अपने कानों को ढक कर ना रखें बालों से, चोटी बांध लें अगर लंबे बाल हैं और छोटे हैं तो कानों के पीछे दबा के रखें। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी भ्रमित होते हैं और पढ़ाई से मन भटक जाता है। छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, पढ़ाई की किताबें कभी खुली ना छोड़ें। खाना तो नहीं खाना है आपको पढ़ते वक्त, थोड़ा बहुत ले ले फिर हाथ धो के पढ़ने बैठे। और पढ़ाई करने का सबसे अच्छा समय शास्त्रों के अनुसार सुबह 4 बजे का माना गया है, इसलिए इस समय पढ़ाई करने से टॉपिक्स बहुत जल्दी याद होते हैं। पर दोस्तों कई बच्चे नाइट आउल्स भी होते हैं, रात में भी पढ़ते हैं, तो अगर आपको लगता है कि आप सुबह नहीं उठ सकते हैं तो ज़्यादा अपने रूटीन से छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, नाइट स्टडीज़ करें आप। मोजे जूते पहन कर ना पढ़ें घर पे, ठीक है। और एग्ज़ाम देने के लिए जब घर से बाहर पैर निकालें तो फर्स्ट अपना राइट पैर, अपना दायां पैर बाहर निकालें। और जब एग्ज़ाम रूम में आप प्रवेश करेंगे दोस्तों, उस समय अपना राइट पांव ही पहले अंदर रखें, यानी दाहिना पैर ही अंदर करें। दोस्तों अगर कोई सब्जेक्ट आपको याद नहीं हो रहा है तो अपनी जो जुबान है, आपकी जो जीभ है, उसके जो नीचे की तालू है उससे लगाकर चिपका लें और उससे धीरे धीरे मन मन में बोल के रीड आउट करें। जो भी आपको याद करना है वो रीड करें, देखिएगा कितनी जल्दी आपको याद हो जाती है। दोस्तों अगर मेमोरी पावर वीक है तो 21 थर्सडे गाय को पीला पेड़ा खिलाएं। बादाम और सौंफ को मिलाकर कूट के रख लें और हर रोज सोते समय पानी के साथ इसको ले लें दोस्तों। दोस्तों आप जब एग्जाम्स में फुल मेहनत करके फुल रिजल्ट्स पाना चाहते हैं तो भगवान गणेश जी का रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। अगर आप बहुत हायर स्टडीज कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं या कोई भी समझ लो IAS का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो एक चांदी का चकोर टुकड़ा हर समय अपने पास रखें। और लास्ट उपाय बताती हूँ दोस्तों, यदि आप मेहनत के अनुसार अच्छे अंक नहीं आ रहे हैं तो आप दुर्गा माता के मंदिर में जाके अपने लिखने वाले पेन को माता दुर्गा के चरणों में रख के अच्छे अंक के लिए प्रार्थना करें और वहाँ के पुजारी से ये कह दे कि कल इस पेन को वापस लेने आ जाऊँगा। मतलब उस पेन को एक रात के लिए माता दुर्गा के चरणों में छोड़ आए और जब नेक्स्ट डे आप एग्ज़ाम देने जाओ तो उस पेन को मंदिर से लाके अपना एग्ज़ाम दें। ऐसा करने से दुर्गा माँ के आशीर्वाद से आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों यदि मंदिर अगर आसपास ना हो तो आप घर पे भी ये काम कर सकते हैं। दोस्तों आपको मैंने बहुत सारे उपाय बताए हैं, ट्राई करें दोस्तों, टॉप करने से इस बार कोई नहीं रोक सकता आपको। पढ़ाई में देखिए सक्सेस के लिए जो संस्कार डाले गए हैं वो माता पिता घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा डाले गए हैं, इसलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट एग्जाम देने जब जाएं तो अपने माता पिता और बुजुर्गों को चरण स्पर्श करें, अपने गुरुजनों को प्रणाम करें। ऐसा करने से आपके ऊपर भगवान माता सरस्वती की कृपा सदा बनी रहती है। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। बहुत सारे उपाय बताएं, इससे ज़्यादा बताऊंगी तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ वीडियो के नीचे लिख के पूछें, मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों ताकि आप और मैं कनेक्टेड रहें। और एक बात फिर से बोलूँगी दोस्तों, कर्म प्रधान है एग्ज़ाम, इसलिए पहले अपनी मेहनत पे ध्यान दें, बाद में ये टोने टोटके और उपाय करें।
आज के लिए बस इतना ही. लव यू ऑल एंड हैप्पी संडे. हमारा चैनल लाया है होली का धमाकेदार गिफ्ट. जी हाँ दोस्तों, हमारे लकी सब्सक्राइबर्स के लिए हमारा चैनल देने वाला है iPhone 6s. जी हाँ, हम आपको देने वाले हैं एक iPhone 6s, एक Apple का MacBook Pro, एक Samsung का Galaxy S6 Edge और एक LeEco का Li2 मोबाइल. उसके लिए आपको तीन सीधा सा कार्य करना है. नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में तीन चैनल्स के लिंक दिए हुए हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ब्रिजनारी सुमी और ब्रिजनारी सुमी इंग्लिश. आपको तीनों के लिंक पर क्लिक करना है, उसके बाद सब्सक्राइब करना है उन तीनों चैनल्स को. जिस वक्त आप तीनों चैनल्स को सब्सक्राइब करोगे, आपकी एंट्री फिल हो जाएगी. 14 मार्च 2017 को हम ये बताएंगे कि विनर कौन है, कौन है वो लकी सब्सक्राइबर जिसने जीता है आईफोन, एप्पल मैकबुक प्रो, सैमसंग गैलेक्सी S6 एज और LeEco 2. तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए.